तो आज के वीडियो में दोस्तों यहाँ पर हम कंपेयर करने वाले हैं मारुति सुजुकी बलिनो के सबसे बेस्ट वेरिएंट सिग्मा को टोयोटा ग्लांजा के सबसे बेस्ट वेरिएंट ई के साथ में, मतलब कि दोनों ही गाड़ियों का बेस्ट वेरिएंट यहाँ पर आज कंपेयर होने वाला है। हालांकि दोनों ही गाड़ियाँ काफी हद तक बिल्कुल सेम ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है इसके बारे में दोस्तों आज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल कारलैंड 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इस गाड़ी के एक्सटीरियर के साथ में ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बेस वेरिएंट बलिनो का कैसा दिखता है और इंटीरियर में कैसा दिखता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बलिनो के बेस वेरिएंट की फ्रंट ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको पूरी ब्लैक कलर की ग्रिल देखने को मिलेगी, कोई भी क्रोम की फिनिश यहाँ पर नहीं मिलती है, जिस तरह की आपको ऊपर वाले वेरिएंट्स में मिल जाती है। हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी बलिनो के बेस वेरिएंट से ही, जो कि एक अच्छी बात है। बॉडी कलर के फ्रंट एंड रियर बम्पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ब्लैक कलर के ORVM से यहाँ पर आपको दिए गए, और जो डोर हैंडल देखने को मिलेंगे वो भी ब्लैक कलर में ही मिलते हैं। 15 इंच के व्हील्स दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बेस मॉडल में, जिसके साथ की आपको कोई भी कवर देखने को नहीं मिलता है। रियर में दोस्तों यहाँ पर आपको LED टेल लैंप बेस मॉडल में दी गई है। तो बलिनो के बेस मॉडल का लुक दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आपको लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंटीरियर की अगर बात करें बलिनो के बेस वेरिएंट की, तो डुअल टोन में दोस्तों यहाँ पर आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा ब्लैक और ब्लू, कहीं कहीं पर दोस्तों आपको सिल्वर कलर के इंसर्ट देखने को मिलेंगे फ्रंट डैशबोर्ड के ऊपर। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC दोस्तों आपको इंटीरियर में दे दिया गया है बेस मॉडल में ही। कोई भी म्यूजिक सिस्टम दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है बेस वेरिएंट में, जो कि आपको आफ्टर मार्केट ही इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स भी नहीं मिलते हैं। स्पीडोमीटर विद टेकोमीटर का फीचर दोस्तों यहाँ पर आपको बेस मॉडल से ही देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। प्रीवियस जनरेशन वाली बलिनो में दोस्तों आपको सिर्फ स्पीडोमीटर मिलता था, टेकोमीटर नहीं मिलता था बेस मॉडल में। तो कुछ ऐसा यहाँ पर आपको बलिनो के बेस मॉडल का इंटीरियर देखने को मिलता है। बात करते हैं टोयोटा ग्लांजा के सबसे बेस मॉडल ई के एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में। सबसे पहले एक्सटीरियर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्रोम की फिनिश देखने को मिलेगी फ्रंट ग्रिल में, जो कि आपको बलिनो के बेस मॉडल में नहीं मिलती है। बेस मॉडल में दोस्तों आपको फॉग लैंप तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उसके अराउंड यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिश दे दी गई है। यहाँ पर भी आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई है बेस मॉडल में। बॉडी कलर का फ्रंट एंड रियर बम्पर मिल जाता है, ब्लैक कलर के ORVMs देखने को मिलेंगे और ब्लैक कलर में ही डोर हैंडल दिए गए हैं। 15 इंच के व्हील्स यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं, स्टील व्हील। रियर में यहाँ पर भी आपको LED टेल लाइट्स देखने को मिल जाएगी बेस वेरिएंट से ही। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बलिनो और ग्लांजा के बेस मॉडल में ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ग्लांजा के बेस मॉडल में आपको क्रोम की फिनिश देखने को मिल जाएगी और उसी के साथ में यहाँ पर आपको कुछ डिजाइनिंग चेंज देखने को मिलेंगे फ्रंट प्रोफाइल में, उसके अलावा यहाँ पर और कोई डिफरेंस नहीं है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इंटीरियर की, तो ग्लांजा के बेस मॉडल में आपको डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्रीम कलर का और ब्लैक कलर का इंटीरियर देखने को मिलेगा, बलिनो में आपको ब्लू कलर की थीम मिल रही थी। यहाँ पर भी आपको सिल्वर कलर के इंसर्ट देखने को मिल जाएंगे और जो सीट है दोस्तों वो भी यहाँ पर आपको इंटीरियर की थीम में ही देखने को मिलेगी, ब्लैक और क्रीम कलर में। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC यहाँ पर भी आपको दिया गया है बेस वेरिएंट में। कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। स्पीडोमीटर विद टेकोमीटर का फीचर यहाँ पर भी आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाता है। तो ये सब कुछ डिफरेंस दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर और एक्सटीरियर के बेस वेरिएंट में। अब हम बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट में आने वाले सभी कॉमन फीचर्स के बारे में, जो कि आपको दोनों ही गाड़ियों के बेस मॉडल में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको डुअल फ्रंट एयरबैग दोनों वेरिएंट में दिए गए हैं, ABS विद EBD मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट का फीचर मिल जाएगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, हाई स्पीड अलर्ट और सीट बेल्ट रिमाइंडर का फीचर भी मिल जाएगा। सेंट्रल लॉकिंग यहाँ पर आपको दोनों ही वेरिएंट में दी गई है बेस वेरिएंट से ही। स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक का फीचर मिल जाता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक का फीचर मिल जाता है और रियर डिफोगर का फीचर भी आपको दोनों ही वेरिएंट में देखने को मिलेगा। मतलब कि सेफ्टी फीचर्स वाइज भी यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है दोनों ही गाड़ियों के बेस मॉडल में। बात करें कॉमन कंफर्ट फीचर के बारे में, तो दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC देखने को मिलेगा, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील का फीचर मिल जाएगा, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाएगा फ्रंट में मोबाइल चार्ज करने के लिए, और फ्रंट सीट के एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जबकि रियर सीट के हेडरेस्ट यहाँ पर आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। रियर सीट को दोस्तों यहाँ पर आप फुल्ली फोल्ड कर पाएंगे बेस वेरिएंट के अंदर, और फ्रंट एंड
एंड रियर पावर विंडोज यहाँ पर आपको दोनों ही मॉडल में मिल जाएंगी। मैनुअली एडजस्टेबल ORVM का फीचर यहाँ पर आपको दोनों ही वेरिएंट में दिया गया है। फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट और बोतल होल्डर का फीचर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे कौन से फीचर हैं जो कि इन दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट को थोड़ा सा अलग बनाते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं बलिनो के बेस वेरिएंट में आने वाले उन यूनिक फीचर के बारे में जो कि आपको ग्लांजा के ई वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। तो बलिनो में दोस्तों यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए, जो कि ग्लांजा में नहीं मिलता है। और बलिनो में यहाँ पर आपको 2 ईयर और 40,000 किलोमीटर की वारंटी देखने को मिलेगी, जो कि आपको ग्लांजा में थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। ग्लांजा के यूनिक फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 ईयर और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देखने को मिलेगी, जो कि बलिनो में थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। तो यही सब कुछ डिफरेंस दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन दोनों ही गाड़ी के बेस मॉडल में। तो एक बार दोस्तों हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही वेरिएंट की प्राइस के बारे में। तो बलिनो का सिग्मा वेरिएंट यहाँ पर आपको 6,49,000 रुपये की एक्सरूम प्राइस पर मिल जाता है, जबकि आपको ग्लांजा का बेस मॉडल 6,53,000 रुपए की एक्सरूम प्राइस पर मिलता है। थोड़ा सा ही प्राइस में डिफरेंस है 4,000 रुपए का। ग्लांजा का बेस मॉडल यहाँ पर आपको 4,000 रुपए महंगा मिलता है बलिनो के बेस वेरिएंट से। दोनों ही गाड़ी यहाँ पर आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में मिल जाती है, लेकिन बेस वेरिएंट में आपको कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। ऊपर वाले वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इन दोनों ही वेरिएंट में आने वाले इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर बिल्कुल सेम इंजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1.2 लीटर का। पावर भी यहाँ पर आपको 88 bhp की बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी और 113 Nm का टॉर्क भी बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। 22.3 km का माइलेज भी यहाँ पर आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। यह था दोस्तों इन दोनों ही गाड़ी का बेस वेरिएंट का कंपैरिजन वीडियो। अगर दोस्तों आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।